नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, बल्कि आज आपकी डिमांड एक पूरी करने आई हूँ। आप मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि मैम होम टूर दे दीजिए, होम टूर दे दीजिए। तो फाइनली मुझे लगा दिवाली आ रही है, मौका भी बहुत अच्छा है। ये घर को वैसे भी हम डेकोरेट तो करते ही है, तो लगे हाथी मैंने सोचा होम टूर का वीडियो भी बना दूं और आपके साथ शेयर करूं। चलिए होम टूर कराने से पहले रेडी हो लेते हैं। दिवाली का मौका है तो थोड़ा सा ड्रेसअप होना तो बनता ही है, और स्पेशली आप लोग जो मेरे घर में गेस्ट हैं, और मैंने जो है ये जो साड़ी पहनी है, ये खड्डी जॉर्जेट पहनी है। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों बता रही हूँ मैं, ये भी तो एक हिस्सा है ना, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम ड्रेसअप तो होते ही है, तो ये भी तो दिखाना पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे थोड़ा ड्रेसअप होने का ज्यादा ही शौक है। चलिए टूर शुरू करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर का एंट्रेंस एरिया, और इसको मैंने इस तरह से कुछ दिवाली है इस वजह से डेकोरेट किया है, और यहाँ पे मेरा हस्बैंड का और मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरे घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो मैं यहाँ ला के रख देती हूँ, जैसे कुछ हार्डवेयर का सामान है, कुछ पेंट वेंट बच रहे हैं, वो सब यहाँ। चलिए अंदर आइए गाइज, आपको मेरे घर का टूर कराती हूँ। वेलकम टू माई होम। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का एंट्रेंस एरिया। हमारे घर में तीन एंट्रेंस है। ये पहली वाली एंट्रेंस है जहाँ से आप लोग अंदर आए हैं, और अभी मैं दूसरी और तीसरी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से एक कैबिनेट बनाई है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। मैंने यहाँ राधा कृष्ण बिठाए हैं, इसलिए मैं इसमें शूज वगैरह नहीं रखती हूँ। हेलमेट है, मास्क है, पुराने पेपर्स है, वो रखती हूँ। और दूसरा वाला एंट्रेंस एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला, ये हमारी पर्सनल लिफ्ट है इस फ्लैट में, इसमें कोई भी नहीं आ सकता। ये कार्ड से ओपन होती है, जो हमारे घर के अंदर ही खुलती है। चलिए ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। ये मैंने पर्दा लगा रखा है यहाँ पे, मेन गेट में थोड़ी सी जाली की लगाई है वेंटिलेशन के लिए, और ये कैलेथिया का प्लांट पानी में लगा रखा है। ये लिफ्ट का बटन है, और ये एंट्रेंस पे बुद्धा। तो चलिए अब आगे का दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लिविंग रूम, और इसको मैंने बहुत ज्यादा, मैं इसको भरा भरा नहीं रखती हूँ, खाली खाली ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर अपना बहुत ही ज्यादा भरा भरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसको मैंने ऑफ व्हाइट कलर में पूरा थीम मैंने रखा है, क्योंकि लाइट कलर जो होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें सारे जो है ना उभर करके आते हैं सारे कलर। बस मैंने यहाँ पर इस मकान में आने के बाद एक दो ही चीजें नहीं बनाई है, उसमें ये सोफा है, एल शेप का सोफा बनाया है मैंने, और इसमें ये कंट्रास्ट रखा है लाल और ग्रे कलर का। ये मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा, शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये मेरा 10 सीटर सोफा है। हमारे घर में हम चार मेंबर हैं, और चारों ही अलग अलग तरीके का जॉब करते हैं। दोनों बेटे भी जॉब में हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, आप जानते ही। मेरे हस्बैंड वाटर वर्क्स में एक्सियन है। ये है मेरे घर का पहला कॉर्नर। मैंने तीन कॉर्नर डेकोरेट किए हैं, बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं अच्छा लगता। ये थोड़ा बहुत भी जो आप देख रहे हैं, ये दिवाली की वजह से डेकोरेट किया है मैंने। ये बुद्धा जी पहले मैंने बालकनी में रख रखे थे, पर यहाँ मैंने कॉर्नर में रख के जैन कॉर्नर बना दिया इसको। और ये है फ्रेंड्स मेरे घर का दूसरा कॉर्नर, जो बहुत ज्यादा मैंने डेकोरेट नहीं किया है। ये मैं पुष्कर से लाई थी एक मटका, और उसके साथ का मैचिंग का स्टूल, लगभग 15-20 साल पुराना है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का एक और कॉर्नर। ये कॉर्नर यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने लगाया ये मेजेस्टी पाम, जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं ना, मेरा घर पूरा प्लांट्स से भरा पड़ा है, क्योंकि जो है मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। आपको तो पता ही, मेरा गार्डनिंग का चैनल है, कुकिंग का भी चैनल है। ये म्यूजिशियन भी 15-20 साल पुराना है, मेरी सिस्टर ने उदयपुर से भिजवाया। थोड़ी छोटी छोटी मटकियाँ लगाई है मैंने, ये मैं नाथद्वारा से लेके आई थी जब गई थी वहाँ। ये वो एंट्रेंस है फ्रेंड्स जहाँ से हम आए थे, और ये जो साइड की जो इतनी बड़ी वॉल दिखाई दे रही है आपको, लगभग 16 फीट की है। तो इस वॉल पे मैंने देखिए कॉन्ट्रास्ट के अंदर टाइल्स लगवाई हैं। एक्चुअली इस दीवार के पीछे की तरफ जो फ्लैट है वहाँ का बाथरूम है, तो यहाँ सीलन आ रही थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा बार बार पेंट होगा, बार बार उखड़ेगा, ख़राब होगा, तो हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम काम कर दिया मैंने। बहुत अच्छी सी टाइल्स लगाई है जिसमें जॉइंट्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और दूर से लोग बाग देखते हैं इसको तो बोलते हैं ऐसा लगता है मैंने पूरी वॉल पे कुशनिंग करवाई है। और इस कंट्रास्ट ने दीवार की खूबसूरती भी बढ़ा दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पीवीसी का जो है फॉल सीलिंग कराई है, ये सबसे सस्ती पड़ती है इसीलिए मैंने ये वाली कराई है, और मेरे इंटीरियर से मैच भी हो रही थी, आपने किचन में भी देखी होगी ये। एक बार लिविंग रूम का पूरा ओवरव्यू करवा देती हूँ। मैंने यहाँ पे इस लिविंग रूम में टीवी बिल्कुल भी नहीं लगवाया, वरना सब बच्चे यहीं बैठ करके ही टीवी देखते हैं, और लिविंग रूम गंदा होता है। मेरा घर लग्जूरियस नहीं है बिल्कुल भी, ये बालकनी है, और ये 2 टीयर मेरा प्लांट स्टैंड है, बहुत ही खूबसूरत। घर में सारा सामान आपको नया नया दिख रहा होगा, एक्चुअली है सब 15-20 साल पुराना।
और लिविंग रूम से अटैच है मेरी ये बालकनी। इस वाली बालकनी में मैंने सारे इंडोर प्लांट्स रख रखे हैं और बालकनी का ओवरव्यू और इसको मैंने कैसे सेटअप किया है इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है अपने गार्डनिंग चैनल पे, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं इस तरह से डेकोरेट करना तो आप जा करके देख सकते हैं मेरा वीडियो। और ये है मेरा नाइट व्यू जब बालकनी में मैंने इस तरह से लाइट्स वगैरह लगाई है, दिवाली का टाइम है इसलिए। इंडोर प्लांट्स को यहाँ पर बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर मिलता है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का मकान है, नीचे गार्डन है, तो बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है प्लांट्स को। एक बार बालकनी से लिविंग रूम और एंट्रेंस एरिया का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये मेरा 13x16 स्क्वायर फिट का लिविंग रूम है। मेरा घर आपको देखकर कैसा लग रहा होगा, बहुत ही लग्जूरियस है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ्लैट मुझे दिलवाने के लिए मैं अपने नंद और नंदोई जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हमारा काम सस्ते में करवा दिया है। क्योंकि ये फ्लैट हमने कोरोना टाइम में खरीदा था जब प्रॉपर्टी के रेट बहुत डाउन थे। ये झूमर और ये पेंटिंग्स, लैम्प्स वगैरह, यहाँ तक कि पर्दे तक, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पुराना है। चलिए अब लिविंग रूम के आगे का पोर्शन दिखाती हूँ आपको। तो लिविंग रूम के साइड में है ये डाइनिंग स्पेस और ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। और यहाँ पे आपको ये डाइनिंग टेबल और पीछे क्रॉकरी अलमीरा दिख रही है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है जिसको मैंने व्हाइट करा दिया, ये ब्राउन कलर में थी। ये तीन पार्ट्स में फोल्डिंग क्रॉकरी अलमीरा थी जिसे मैं उखाड़ के ले आई थी वहाँ से, इसको मैंने खाली खाली रखा है, बस एक दो प्लांट्स लगाए हैं। और यहाँ मैंने बनाई है एक छोटी सी मिनी बार जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें आपको जो जो भी घर में मेरे सामान दिख रहा है ना, वो सारा मैंने अमेजोन से मंगाया है। सबके लिंक मैंने कोशिश करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, आप चाहे तो चेक करके परचेज कर सकते हैं। मिनी बार के साथ मैंने एक ये बार चेयर मंगाई है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद थी, वो बहुत कह रहा था ये मंगाओ मम्मी मंगाओ, तो ये मैंने मंगाई है। इस मिनी बार में भी ये जो बीच के तीन शेल्फ है ये बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, आसपास बस मैंने वाइन रैक मंगा के ये नीचे शेल्फ लगा दिया और रख दी साइड में बार चेयर और बन गया मिनी बार। आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे घर का टोटल बजट कितना आया इंटीरियर कराने में। आइए मेरे बेटे का मुंह दिखाती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी अभी जॉब में आया है और उसका नाम है विभोर। ये है मेरे बेटे का रूम, छोटे वाले बेटे का रूम। ये मेरे बेटे की यहाँ पे बाहर की तरफ खुलती हुई विंडो है। जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का मकान है तो उसको नीचे से यहाँ गार्डन दिखता रहता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की बालकनी भी जो है वो यहीं से ही दिखती है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है उसको ये रूम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उसको पता था कि मम्मा जो है ड्राइंग रूम की बालकनी बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली है, इसीलिए उसने ये वाला रूम चूज किया था। इस रूम में भी मैंने कोई खास खर्चा नहीं किया है। सामने जो आपको टेबल दिख रही है केवल बोर्ड है, उस पर सनमाइका और एक ड्रॉअर है और कुछ भी नहीं है उस टेबल में। और सिंपल सा एलसीडी पैनल बनाया है मैंने। ये देखिए ऊपर एक रूफ बना के मेरे बेटे का फोटो और उसके बचपन की यादें मैंने ऐसी रख रखी हैं। अब देखिए टेबल के पीछे से ये पूरा गार्डन दिखता है तो व्यू बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी हवा आती है। एसी भी पुराना है, पर्दे भी पुराने हैं। देखिए ड्रेसिंग में भी मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, दो ड्रॉअर के ऊपर बस एक मिरर लगा दिया है, हो गया काम, बस पूरा रूम सज गया। और यहाँ लगा रखा है मैंने अपने बेटे का प्यारा सा क्यूट सा बचपन का फोटो। और फ्रेंड्स ये है मेरे घर का पूजा रूम जो मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, वो ऑफिस जाने से पहले तसल्ली से पूजा करते हैं, तो चलिए अंदर चलें। ये मेरे कान्हा जी हैं और इन कान्हा जी को मैं बहुत ही मन से लेकर के आई, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग नाथद्वारा थी तो मैं स्पेशली नाथद्वारा गई थी वहां पर, और ये वहां से ये कान्हा जी स्पेशली नए मंदिर के लिए परचेस करके लेके आई हूँ। मैंने अपनी मूर्तियां जो है हाइट पे रखी क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के पूजा नहीं कर पाते हैं। और इसमें ये जो आप नीचे कैबिनेट देख रहे हैं ना, इसमें मैंने वो सारा सामान रखा है पूजा से रिलेटेड, तो ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। मैंने अपने मंदिर को बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो स्लैब लगाई है मैंने मंदिर में, ये किचन का बचा हुआ स्टोन था तो मैंने यहाँ लगा दिया। और साइड में ये शुभ लाभ लगाए हैं बहुत ही खूबसूरत से, इनको मैं एक एग्जीबिशन से लेके आई थी। और ये बिल्कुल ओरिजिनल लुक दिखने वाली मोगरे के फूलों की माला लगाई है। तो फ्रेंड्स अब दिखाती हूँ आपको वो जगह जो मेरी और हर लेडी की फेवरेट होती है, जहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी डिलीशियस रेसिपीज आप सब लोगों के लिए लेके आती हूँ। आप समझ ही गए होंगे आपको कहाँ लेकर के आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ मेरी किचन। तो फ्रेंड्स ये है मेरी बहुत ही प्यारी किचन जिसको मैंने व्हाइट कलर का थीम दिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है, पूरा किचन के अंदर इतना उजाला आ जाता है। और ये देख रहे हैं ना आप ये प्लांट, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही कलरफुल लुक देने के लिए व्हाइट किचन को रख दिया, मैं बदल बदल के रखती रहती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए रेसिपीज लेकर के आती हूँ। इस किचन का मैं अभी बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इस किचन का इंटीरियर और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। तो ये है मेरी किचन, यहाँ पे मैं रोजाना का खाना बनाती हूँ। और ये मेरा जो है काउंटर टॉप, ये पूरा मेरा वर्किंग जो है प्लेस है, यहाँ पे मैं अपना शूट करती हूँ सारा का सारा, सारी लाइटें वाइटें आ जाती है सुबह, यहाँ पे मैं पूरा शूट करती हूँ। अब आपको दिखाती हूँ जिसके लिए आप सब लोग जो है बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि मैम यूटिलिटी एरिया का वीडियो डालिए,
मेरा यूटिलिटी एरिया बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। मेरा यूटिलिटी एरिया 3x8 square feet का है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। ये आलू प्याज की टोकरी, एक्स्ट्रा मिक्सी है, मिक्सी के जार हैं, ये रोज़ाना काम आने वाली मिक्सी है, ये बिल्कुल खाली थी, ये मैंने स्लैब वगैरह खुद लगाई है, यहाँ पे कैबिनेट है, आरओ लगा हुआ है एक्स्ट्रा। अब मैं इस तरफ से भी व्यू दिखाती हूँ, डाइनिंग स्पेस की साइड से ये देखिए, और ये जो स्लैब और नीचे कैबिनेट है ये मैंने खुद लगवाई है, यहाँ पानी की बॉटल भर के रख देते हैं, ये बिल्कुल खाली था यूटिलिटी एरिया। और ये देखिए गार्बेज बैग्स वगैरह के लिए मैंने ये लगाया है कुछ होल्डर, और ये एक्स्ट्रा जो है रैक है, इसमें किचन के टॉवल वगैरह हैं, ये सब सूखा सूखता है यहाँ पर। और ये जो यूटिलिटी एरिया है ना, ये डाइनिंग स्पेस से बिल्कुल अटैच है, ताकि खाने के बर्तन यहीं से हाथों हाथी हम यूटिलिटी एरिया में रख देते हैं। डाइनिंग स्पेस और किचन के बीच में ये मुझे खाली वॉल मिल गई, बहुत ही परफेक्ट जगह मिली मुझे अपने इतने बड़े फ्रिज के लिए। ये मेरा साइड बाय साइड फ्रिज है, इसके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। एक बार आपको यहाँ का पूरा ओवरव्यू दिखा देती हूँ, ये एरिया कैसा दिखता है। ये सामने का एरिया अभी बाकी है जो मैं आपको विजिट करवाऊँगी। हमने ये फ्लैट रीसेल में खरीदा था, अभी हमको एक साल भी नहीं हुआ है, मैंने इसमें सब पेंट वेंट सब फिर से नया करवा लिया है। ये वाला मेरे बड़े बेटे का रूम है, और ये पीछे जो दिख रहा है ये यहाँ का मास्टर बेडरूम है, और ये वाला जो है हमारे घर का गेस्ट रूम है। हमारा ये 4 BHK फ्लैट है, तो आइए बड़े वाले बेटे का रूम दिखाती हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम है विजित और वो KFC में मैनेजर है। मेरे बड़े बेटे का रूम, और इसके साथ भी ये एक बाथरूम अटैच है, और साथ में बालकनी है। हालांकि बालकनी बच्चों को बिल्कुल भी यूज करने को नहीं मिलती है, मैंने सारी बालकनी अपने पौधों से बाहर रखी है। इस रूम में जो आप डबल बेड देख रहे हैं ये लगभग 20 साल पुराना है, मैंने इसमें मैचिंग की सनमाइका लगा दी, और सिंपल सा बिना खर्चे वाला LCD पैनल है, बस दो ड्रॉर के साथ मिरर लगा दिया है। और ये है मेरे बच्चों की बचपन की यादें, जो मुझे ऐसे ही शौक आता है जो मैंने रख रखी है। बच्चे बोलती भी है मम्मी दे दो इनको, बहुत सारा दे दिया है मैंने खिलौने, कुछ बचा लिए हैं। ये ऐसे ही शो के लिए मैंने प्लांट लगा दिया यहाँ पर। और इसके बाद ये साइड में एक स्टडी टेबल है, ये आपको दिख रहा होगा, मेरे बच्चों के पैर भी नहीं आते हैं, ये बहुत ही पुरानी है, 20 से 22 साल पुरानी है। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अगर हम काम करें तो हमारा पैसा बच सकता है, और पुरानी चीज़ों का सदुपयोग भी हो सकता है। ये सामने जो आपको वेंटिलेशन दिख रहा है इस बाथरूम में, ये मेरे कमरे की बालकनी में खुलता है, और ये देखिए कुछ इस तरह का है, साइज़ बहुत अच्छा है। और ये इस कमरे में की बालकनी में रखे हुए प्लांट्स हैं मेरे, ये सामने टेराकोटा प्लांट है, मैं नाथद्वारा से खरीद के लेकर के आई थी, और ये हैंगिंग बास्केट प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे प्लांट हैं, ये तुलसी प्लांट है जो मैंने अभी लगाया है बीज से, ये सारे क्रोटोन हैं, ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है, बोट शेप का इस सेरेमिक पॉट है, इसमें अरेलिया प्लांट लगा हुआ है। चलिए यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। और ये है फ्रेंड्स यहाँ पर वॉश बेसिन वैनिटी एरिया, ये टेबल टॉप वॉश बेसिन के नीचे मैंने ये कैबिनेट बनाई है, यहाँ पे वॉशिंग से रिलेटेड सारा सामान है, जैसे कि एक्स्ट्रा साबुन है, हार्पिक है, मॉर्टीन बैगोन स्प्रे, हिना, तो ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया है। और इसमें ये लगाई है मैंने बहुत तेज़ लाइट 20 वाट की, जो बहुत ही बढ़िया से जगमग कर देती है इस एरिया को, और इसको थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए मैंने ये पानी में लगाया है एग्लोनीमा प्लांट, जो इसको बहुत ही बढ़िया लुक और प्रिटी बना देता है। मैचिंग के लिए वाइट टॉवल है, सोप डिस्पेंसर भी वाइट है, और इसी के साथ है ये एक कॉमन वाला जो लेड बाथ है, वॉशरूम है, ये बड़ा है काफ़ी और लेकिन ये काम नहीं आता है हमारे, तो मैंने इसको वॉशिंग एरिया बना रखा है, या वॉशिंग मशीन है, उससे रिलेटेड भी सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है। तो चलिए अब आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। तो चलिए गेस्ट रूम में चलते हैं, ये है 11x13 square feet, काफी बड़ा है। ये है हमारे घर का गेस्ट रूम जो बिल्कुल भी काम नहीं आता है, क्योंकि ज्यादा कदा ही कोई गेस्ट आते हैं। ये वाला जो है हमारा रूम केवल इसीलिए काम आता है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना ही सारा सामान रख रखा है, जितना भी है, बाहर से शॉपिंग करके आते हैं ना तो सारा सामान ला करके हम यहीं पर डाल देते हैं डबल बेड पे, बाद में धीरे धीरे जमाते रहते हैं। ये जो डबल बेड देख रहे हैं ये दो सिंगल बेड थे, एक लो हाइट का और एक दीवान वाली हाइट का, मैंने दोनों को लेवल में लाके डबल बेड बना दिया। और ये काफी बड़ी वार्डरोब है, और ये छोटा सा फ्रिज है जो अक्सर ट्रांसफर होता है मेरे हस्बैंड का, तो हम वहाँ ले जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे मेरे तीसरे वाले एंट्रेंस की। तो ये है फ्रेंड्स वो तीसरा वाला एंट्रेंस, दो मैंने आपको दिखाया, एक पर्सनल लिफ्ट और एक मेन डोर हमारा, तो हम तीन तरह से हमारे फ्लैट के अंदर आ सकते हैं, है ना, बहुत मजेदार बात। इसमें पीछे की तरफ के तीन फ्लैट और है, तीन फ्लैट आगे की तरफ बने हैं, तीन फ्लैट पीछे की तरफ है। ये हमारे वैसे बहुत ही कम काम आता है, तो इसको हम बंद ही रखते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एंट्रेंस लेकर के भी करना है, बार बार ताले लगाओ बंद करो। ये है वो बाहर का एरिया, तो चलिए अब घूम कर अंदर की तरफ आते हैं। ये देखिए दरवाजे के नीचे थोड़ा गैप था, तो एक बार छिपकली आ गई थी घर में, तो मैंने ये डोर सीलर लगाया है, अब बिल्कुल छिपकली अंदर नहीं आती है, क्योंकि मेरे घर में छिपकली कॉकरोच चूहे वगैरह के लिए कोई जगह नहीं है, इवन मच्छर भी नहीं होते हैं। ये देखिए एक पुराना मिरर लेके आई थी मैं पुराने मकान से, जो मैंने यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ से आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ, ये सोफा भी बहुत पुराना है पुराने मकान का, और ये जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पर भी मैंने टाइल्स लगवाई है, क्योंकि मेरे कॉमन लेट बाथ है वो इससे अटैच है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सीलन थी, तो मैंने परमानेंट इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है।
ये कुछ वॉल डेकोरेटिव्स हैं जो यहाँ लगा दिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ हमारे फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के एंट्रेंस पर मैंने इस तरह से, ये देखिए, एक ये लगाया है हैंगर और उसके अंदर मैंने इस तरह से मनी प्लांट लगा दिया है। और ये जो है मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट किया था उनकी बर्थडे पे, तो मुझे ये गैलरी के अंदर ये बहुत अच्छी सी स्पेस लगी, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। आइए फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का मास्टर बेडरूम और ये बहुत ही स्पेशियस है। इस मास्टर बेडरूम का साइज है 13x16 स्क्वायर फीट और काफी स्पेशियस है ये। और इसी में मैंने ये बड़ा सा LCD पैनल बनवाया खाली, और एक प्लांट रख दिया है, और ये व्हाइट कलर का मैचिंग का TV है, और ये जुगाड़ू वाली टेबल है। इस वाले बेडरूम के अंदर बिल्डर ने ये वुडन फ्लोरिंग दी है, जो ये बहुत ही इसको लुक अच्छा बनाती है। और ये देखिए कैबिनेट है, उसके ऊपर मैंने ऐसी डेकोरेटिव्स लगा दिए हैं। सामने की तरफ है ये ड्रेसिंग रूम, और ये LCD पैनल पे मैंने कुछ माउथ फ्रेशनर्स रख रखे हैं, रोज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, और कुछ परफ्यूम्स वगैरह हैं, और ये छोटा सा प्लांट है, और ये मेरा है DSLR कैमरा जो बहुत ही कम काम आता है, मुझे इससे शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मोबाइल से ही शूट करती हूँ। और ये जुगाड़ू टेबल है, केवल बोर्ड के नीचे एक पाया लगा दिया और बन गई टेबल, तो सस्ता सस्ता काम कराया है मैंने सारा, मेरे पास बजट बहुत कम था। ये देखिए सामने एक वार्डरोब है, और ये जो कैबिनेट है ये पुरानी है, इस पे मैंने मैचिंग सनमाइका लगवा दी है। और यहाँ पे हम मेरे और मेरे हस्बैंड का ये फोटो है पुराना, और ये बहुत ही पुराना फोटो है, 25 साल पुराना, ये देखिए। और मेरे बेडरूम से अटैच ये है एक बालकनी। चलिए मास्टर बेडरूम की बालकनी में चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये देख रहे हैं आप जो गेट UPVC का, ये मैंने स्लाइडिंग लगवाया है, तो स्पेस मिल जाती है बालकनी में, वरना गेट क्या होता है, हर्डल बनता है। और ये प्लांट स्टैंड है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, ज़्यादातर सब अमेज़ॉन के ही प्रोडक्ट हैं। ये शेल्फ भी पुराने हैं, कांच के पुराने मकान से लाई थी मैं, उस पर मैंने पानी में लगे हुए पौधे लगा रखे हैं। और ये सामने वेंटिलेशन है जिस पर मैंने टेप लगा रखी है, छिपकली अंदर न जाए ताकि। और ये देखिए ये अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने, और ये डोरी से लगे हुए मेरे कपड़े सुखाने की रॉड है स्टील की, जो फ्लैट्स में रहते हैं उनको इसी तरह के जुगाड़ू काम कुछ करने होते हैं, जगह बहुत कम होती है, तो ये देखिए नेल पे से इसको निकालिए इस तरह से, और डोरी को आप छोड़ दीजिए, डोरी छोड़ेंगे तो ये रॉड जो है नीचे की तरफ आती है, कपड़े सुखाइए और फिर डोरी को आप खींचेंगे तो ये रॉड ऊपर चल जाती है, तो कपड़े आपके टच भी नहीं करते हैं। ये प्लांट स्टैंड है जो मैंने इस बालकनी में रख रखा है, तो ये है मेरी बालकनी। और मेरे बेडरूम से अटैच है ये ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम से अटैच है बाथरूम। ड्रेसिंग रूम मेरे बहुत ही काम आता है, तो इसमें मैंने सारा मेरे से रिलेटेड सामान रखा है। दरवाज़ा बीच में ना है तो मैंने इसको पूरा स्लाइडिंग बनाया है, तो इससे जगह कम घिरती है। और ये जो अलमारी है इसी के ऊपर मैंने देखिए शेल्फ लगा दिए हैं कांच के, तो अलग से आपको ड्रेसिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ रोज़ाना काम आने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, बाकी तो सारे अलमारी के अंदर रखें। ये वो अलमारी है, ये बहुत पुरानी है, इस पर मैंने वॉलपेपर लगा करके स्टिकर लगा के इसको नया लुक दे दिया है। देखिए ये ब्राउन कलर की थी, इस पर मैंने स्टिकर लगाया है वाइट कलर का मैचिंग। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है ये काफी बड़ा बाथरूम है इसके साथ अटैच। इस पूरे फ्लैट का इंटीरियर मैंने खुद डिजाइन किया है, टोटल खर्चा 8.5 लाख रुपए आया है, जिसमें सब कुछ आ गया, सोफा, किचन का इंटीरियर, पेंट वगैरह, वुडवर्क, सब कुछ। ये फ्रेंड्स पूरे ओवरव्यू है बेडरूम का, और ये जो सामने से एंट्रेंस एरिया जहां से हम बेडरूम में अंदर आए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो देर किस बात की, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।